नोबेल शांति पुरस्कार 2021। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष वेरिस रीड एंडरसन ने की। विजेता का चयन करने वाली नॉर्वे की समिति ने कहा कि दोनों ही पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए पूरे जज्बे और बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। फिलीपींस की मारिया रेशा और दामित्री मुराटो रूस के शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोनों पत्रकार हैं, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मारिया रेशा न्यूज़ साइट रैपलर की को फाउंडर हैं, जो फिलीपींस में सत्तावादी ताकतों के बढ़ते अत्याचार हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वहीं रूस के दामित्री मुराटो ने स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेता निकाला था। उन्होंने रूस में फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा के लिए दशकों तक काम किया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था, जिसकी स्थापना 1961 में विश्व भर में भूख से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के निर्देश पर की गई थी। रोम से काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की इस एजेंसी को वैश्विक स्तर पर भूख से लड़ने और खाद्य सुरक्षा के प्रयासों के लिए पिछले वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था।